अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सुल्तानगंज गंगा मैया के गोद में बसा ये शहर, शहर नहीं स्वयं में एक धाम है, शिवजी का धाम। यहाँ सब अपनी मनोकामना के लिए आते हैं, हम भी आए। कहते हैं महादेव की इस नगरी में समय और संयोग कब बदल जाए कोई नहीं जानता। हम सुरभि झा, भागलपुर के राय बहादुर देवकी नंदन झा की छोटी बहू। आज हम अपनी बड़ी बेटी, समाज के रिश्ते, जिसे हमारी जेठानी की बेटी कहता है, आरती, उसकी सगाई के लिए आए हैं। हमारे बेटे का भी सहयोग बैठा दीजिए महादेव। हे भोलेनाथ, बहुत उम्मीद लेके आए हैं, निराश मत करिएगा। हमारे राम जैसे बेटे के लिए सीता कहीं भी हो मिला दीजिए। सुमन, आवाज नहीं, मामी जाग गई ना तो मारी जाएगी। ये पैकेट विमला मौसी के लिए, ये चंदू काका के लिए और ये राजू के लिए। खोज रही थी। लो, ले लो। क्या कर रहे थे? मामी, हम तो वो नाना जी के लिए खाना लेकर जा रहे थे। नाना जी ने आज आश्रम में भोज रखा है क्या? तुझे दानवीर करण बनना है तो मेहनत मजदूरी कर, भीख मांग, हमारी कमाई काहे लुटा रही है? पाल पोस दिया यही का कम था? छोड़ देती तो दोनों भाई बहन भीख मांगते ना। एहसान तो माना नहीं जाता, उल्टा दीमक बनकर हम ही को चौट रही हो तुम। अरे क्या हुआ सवेरे सवेरे? आप चुप करिए। अरे इसे क्यों रोक रही हो? दो, मैं दो चाबी, दो लो चाबी लो। तुम्हारे नाना जी का दो बार फोन आ चुका है, जल्दी जाओ वरना चार बातें हमें सुनाएंगे। जाओ, ये लो, ये लो, जाओ, चलो 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 संभाल के। हाँ जल्दी जाओ, जाओ 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 जाओ। आप अपनी बकलोली से बाज आइए। ये झूठ मूठ का बाबूजी का नाम लेकर जो अपनी भगनी को बचाने का उपकार कमा रहे हैं ना, ज्यादा दिन चलेगा नहीं। इसका ये गुपचुप हरकत है ना, उस पर लगाम लगाना पड़ेगा। लड़की जाते
कीचड़ उछला तो हमारा दामन ही गंदा होगा, और जिस दिन हमारा ज्वालामुखी फूटा ना, तो कसम से बता रहे हैं आग लगा देंगे आग। सुमन बेटा, जी भारी मत कर। मामी के शब्दों को वैसे ही पी जा जैसे नीलकंठ विष पी गए थे। Yes, mom. मतलब माँ, I mean. वैसे माँ, मुझे नहीं लग रहा है कि अंशुमन भैया ना अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के आएंगे। अपनी माँ को दिया हुआ वचन और परिवार के प्रति कर्तव्य वो कभी नहीं भूलता। देखते हैं। वो आ गया है। तो चलें काका। सुल्तानगंज की हवा की बात ही कुछ और है, मन को मोह लेती है। कावड़ियों की भीड़ है मैडम। हिचकी, लगता है माँ याद कर रही है। काका, अब गाड़ी आप संभालिए। जी बेटा। बोल 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 बोल
वसीमा अपने पापा का, आरती दीदी और नंदिनी के नाम, यहाँ तक कि बड़ी माँ और दादाजी के भी नाम का बेगा प्रवाहित कर लिया, लेकिन बिजली के नाम का वो अपने नाम का दिया खुद प्रवाहित करेगा। इम्पॉसिबल माँ, कैसे आ पाएंगे वो अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़। देख लेना, वो मीटिंग कम्प्लीट करने के बाद ही आएंगे। बिल्कुल गलत, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारी जनरेशन की पहली शादी, और वो भी हमारी प्यारी बहन आरती की, तो कैसे नहीं आऊंगा मैं। और सबसे बड़ी बात, मां से प्रॉमिस किया था तो आना तो था ही। माननी पड़ेगी मां आपकी फीलिंग को, सच में आज तक कभी हुआ ही नहीं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए जो महसूस किया हो वो ना हुआ। हमें तुम्हारे आने का एहसास मिल गया था बेटा। और ये आखिरी दिया आपके नाम का। माँ आप ही कहती है ना कि परिवार एक से नहीं, हम सबसे है। और मेरे लिए मैं, हम, शुरुआत और अंत सब आपसे। और मैं हमेशा आप दोनों के बीच में। भोलेनाथ, आप तो एक माँ के मन की बात समझते हैं। मेरे अंशुमन के लिए उसके लायक संगिनी ढूंढ दीजिए, कृपा कीजिए नाथ। कंठ की तरह आज भी विष पिया ही ना। खुश रहो नाना जी। आपको हर बार हमारे आने का एहसास कैसे हो जाता है? एहसास होता है, तुम्हारी माँ आशा हमारी गोद में छोड़कर चली गई थी तुम्हें, तो तुम मेरी गोदी में ऐसे छुप जाती थी कि तुम्हें कोई देख ही नहीं पाता था। इतनी छोटी सी थी हमारी ये सुमन। बस तब से तुम्हारी आहट सुनने का एहसास पहले मेरे मन को होता है, फिर मेरी आंखें तुम्हें देखती हैं।
लेकिन तुम्हारी माँ ने बहुत भरोसे से छोड़ा था तुम्हें मेरे पास, और हम तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाए बेटा। कई बार तो मन करता है कि काश तुम्हारी माँ की जगह हम ही चले जाते। नहीं नाना जी, आप प्लीज ऐसा मत कहिए। अगर आप नहीं होते तो हमें कौन संभालता, बताइए हमें। हाँ, हमने कभी अपनी माँ को नहीं देखा, पर आप हमारे लिए हमारी माँ के ही समान। आपने हमें कितना सारा प्यार दिया। हाँ, और हम ये भी समझते हैं कि माँ की जरूरत ना हमसे ज्यादा किसी और को होगी, इसलिए तो भगवान जी ने हमसे हमारी माँ को छीन कर उसे दे दिया, है ना? ऐसा ही हुआ होगा ना? कितना सोचती है तू सबके बारे में है, जबकि ममता की सबसे ज्यादा भूखी प्यासी तो तू ही है। हाँ, मैं ममता की भूखी नहीं। आपको खुद का ख्याल ही नहीं। आपने खाना खाया? नहीं खाया ना? हम लेकर आए हैं आपके लिए खाना, चलिए खाना खा लीजिए। ये हमारा बड़ा बेटा है अंशुमन। नमस्ते। नंदन और नंदिनी जुड़वा है, नंदिनी छोटी है। बाऊजी आ जाए तो सगाई की रस्म शुरू करते हैं। राम 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 राम, जाने कब शुरू करेंगे ये विधि व्यवहार। सब के सब लेट लतीफ हैं यहाँ पर। अरे कहाँ रह गए वो? पहली पोती की सगाई है और दादा का कुछ अता पता ही नहीं। झाजी, बाऊजी नहीं आए अभी तक? बस आते ही होंगे। यार, एंगेजमेंट रिंग मैंने तुझे ही दी थी संभाल के रखने के लिए, लेकिन एक चीज भी संभाल के नहीं रख सकती तू। अरे मैंने संभाल के ही रखी थी मेकअप बॉक्स में, अब मिली नहीं रही है। मैंने ना फोन में फोटो भी खींचा था रिंग का, ये देखो। अच्छा तो एक काम कर, इस फोटो को ना फ्रेम बना के उससे सगाई करवा दे, हो जाएगी। क्या हुआ? क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? जयकांत बाबू, आप तो जानते होंगे कि हमारे बड़े बेटे के गुजर जाने के बाद हमारी बड़की बहू ने विधवा धर्म अपना लिया था। तब से हमारी छोटकी बहू ही आरती की माँ है। एक माँ का फर्ज और जिम्मेदारी निभाने के लिए बहुत त्याग किया है हमारी छोटकी बहू ने। जी, लोग तो अपने दो बच्चों में भेद कर लेते हैं, लेकिन वो तो अपने बड़े बेटे को कुंवारा छोड़कर अपनी जेठानी की बेटी आरती की शादी पहले करवा रही है, बड़ी बात है। बड़ी बात कहने को तो जमाना ये भी कह सकता है कि पराई की विदाई इसलिए पहले कर रही है ताकि अपने बच्चों की शादी में खुल के खर्चा कर सके। बड़ी बात। छोटी बात नहीं है ये, छोटी बात नहीं है ये। ऐसे कैसे भूल सकते हो सगाई की अंगूठी घर पे? बड़ी दीदी ने खुद अपनी पसंद से बनवाई थी होने वाले दामाद जी के लिए। तुम दोनों हो ही नहीं इसलिए कि तुम्हें कोई जिम्मेदारी दी जाए। क्या हुआ माँ? इन दोनों ने सगाई की अंगूठी घर पे छोड़ दी। अब समझ ही नहीं आ रहा क्या करें।
माम मैं नहीं, ये भूल के आई है और मोबाइल में फोटो भी निकाल के आई है। एक काम कर, फोटो को ना फ्रेम करा ले और उसी से सगाई करवा लेते हैं ना, हो जाएगा। नंदन, ऐसे समय में भी तुमको मजाक सोच रहा है? अपनी गलती का जरा भी एहसास नहीं तुमको? और जब दीदी को पता चलेगा कि हम सगाई के लिए आए हैं और सगाई की अंगूठी घर ही छोड़ा है, हमारी माँ होने पर सवाल उठ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप शांत हो जाइए। और फिर नंदिनी के फोन में फोटो है ना, नंदिनी तुम नंदन को फोटो सेंड करो। माँ आप और नंदन पास की मार्केट में जाइए और ज्वेलर से बिल्कुल वैसी अंगूठी बनवा के ले आइए। और चिंता मत कीजिए, मैं आप सब संभाल लूंगा। एक तुम ही हो जिस पे भरोसा कर सकते हैं, बस अब भोलेनाथ तुम्हारी तुम्हारे जैसे ही समझदार से जोड़ी बना दे। हाँ आप भी ना, आप पहले मार्केट जाइए। चलो फोटो भेज मुझे। जो आरती की सगाई वाली अंगूठी जैसी ही अंगूठी मिल गई, बस अब जल्दी से मंदिर पहुंच जाए। भोलेनाथ ने इज्जत रख ली अपनी, सब ठीक हो जाएगा मां, जल्दी आए। आप टेंशन मत लीजिए, बस जल्दी से पहुंचाता हूँ आपको। This is not done. सुमन के होते कोई गलती करके भागे, ऐसा हो नहीं सकता। नीचे उतरो, उतरो नीचे। काहे उतरे, ये क्या कर रही हो? नीचे उतरो, उतरो नीचे। अम्मा पापा, आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? हाँ लगी ना। अरे कोई पानी देना प्लीज। हम अभी आते हैं। खड़े मुंह क्या ताड़ रहे हो? मदद करो, इनकी सब्जियां उठाओ, माफी मांगो, नहीं तो अभी के अभी भरता बन जाएगा तुम्हारा। माफी काहे मांगे, जरा झटका ही लगा ना, गलत वो चल रही थी। और इलाज करना है ना, ये लो पैसा हम दे देंगे। इससे ना इलाज तुम करवाओ अपने दिमाग का। एक तो तुम्हें मदद करनी चाहिए, ऊपर से पैसे दिखा रहे हो हमें। अब तो अम्मा के इलाज का जितना भी खर्चा होगा ना वो तुम करोगे, तभी यहाँ से जा पाओगे। अरे क्यों रिश्तेदार है तुम्हारी, सोशल ड्रामा कर रही हो? चाबी तो हमारी। चाबी चाहिए? देख रहे ना आप लोग, इन जैसों के वजह से सुल्तानगंज का नाम बदनाम हो रखा है। भोलेनाथ जी के पवित्र भूमि को बदनाम नहीं होने देंगे। अब तो तुम जेल जाओगे। तो भाइयों दीजिए हमारा साथ, भीड़ ही हमारी ताकत है। अगर हम सब एकजुट हैं तो हमें डर नहीं। अब जब तक पुलिस यहाँ नहीं आ जाती ये यहीं बैठेगा और हम अम्मा के साथ यहाँ। आप सब हमारे साथ हैं? बोल बम का नारा है, हमारा है। बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है, सुल्तानगंज हमारा है। एक मिनट में यार ये जाम भी ना, नारा है।
मैं एक काम कीजिए, आप यहीं पे बैठिए, मैं देख कर आता हूँ। हाँ हेलो अजी, सुरभि जी कहाँ हैं आप? सगाई का मुहूर्त निकला जा रहा है। जी आ ही रहे हैं, बस कुछ खरीदारी करने चले गए थे, अब पहुँच रहे हैं। आप बिना, चलो चलो जल्दी आइए। जी जी जी। ये सब क्या चल रहा है? हाँ, यहाँ पे किसी को सिविक सेंस है या नहीं? कोई प्रॉब्लम में है, किसी को दूसरों की पड़ी नहीं है। वही तो, किसी को दूसरों की नहीं पड़ी, बस टक्कर मारो और भाग जाओ। और मिस्टर, अब तुम भी यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग और शहर दोनों हमारे हैं, समझे? अच्छा, शहर तुम्हारा है, इसका मतलब जाम लगा दोगे। कोई परेशान है, कहीं जाना चाहता है, ये सब दिखाई नहीं देता तुम लोगों को? ए हीरो, ज्यादा ना नेता ना बनो। और वैसे भी तुम तो बाहर वाले लग रहे, और बाहरी लोग यहाँ का प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, तो चुपचाप अपने मुँह में ताला लगा कर दूसरा रास्ता ना, क्योंकि ये रास्ता नहीं खुलेगा, समझे? We want justice. We want justice. We want justice.